जब मेरी शुरुआत हुई राजनीति में तो परिस्थितियां थोड़ी ऐसी थी कि मेरे भाई पर और मेरी माताजी पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें राजनीति से दूर किया गया। तो उस दौरान मेरा आना हुआ राजनीति में। मेरे पिताजी, मैं बहुत छोटी थी जब उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्होंने भी आगे बढ़ाया, लेकिन ज्यादा बड़ा योगदान इसमें मेरी माता जी का रहा है। 15 साल हो गए हमें यहाँ से, हमारे बीच से गए हुए, लेकिन आज भी उनका जो काम है वो जिंदा है लोगों के मन में और उनसे मुझे आज भी सीख मिलती है। मुझे बहुत खुशी है कि चाहे हम विपक्ष में बैठे या पक्ष में बैठे, अभी कैसे पार्लियामेंट में बैठने जा रहे हैं जहाँ डाइवर्सिटी, पार्टीज की डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा, और लोगों की ऐसे पार्लियामेंट में मुझे आवाज बनने का मौका मिलेगा जहाँ पर लोगों का दबदबा रहेगा। लंदन से पढ़ाई की है और आपका परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, आपके पिता मनोहर हसन जी चारों सदन देखे हैं, तो आपका पढ़ने लिखने का टाइम था, अब आप राजनीति में आए हो, तो आपका उद्देश्य क्या है और आगे चल के, जैसे आपने परचम लहराया है अपना, बीजेपी को कैंडिडेट कराया है? जी, जब मेरी शुरुआत हुई राजनीति में तो परिस्थितियां थोड़ी ऐसी थी कि मेरे भाई पर और मेरी माताजी पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें राजनीति से दूर किया गया। तो उस दौरान मेरा आना हुआ राजनीति में, तो कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन उसके बाद मेरी खुद की दिलचस्पी बढ़ी। 2 साल तक मैं, 2-3 साल मुझे हो गए लगातार फील्ड पर रहते हुए, और मुझे भी ये महसूस हुआ कि जो मेरे जैसे जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो देश के लिए चिंतित हैं, हमें भी ज़रूरत है कि हम लोग खुद घुसकर देश की राजनीति में और अंदर से कुछ सुधार अगर हमारे प्रयास से आ सके तो वो लाने का यही वक्त है। तो मुझे मौका मिला, मेरा क्योंकि परिवार राजनीतिक रहा है और तो उनके बदौलत मुझे ये प्लेटफॉर्म ज़रूर मिला है, लेकिन मैंने संघर्ष भी किया है और मेरी यही कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म को जो मुझे मिला है इसका मैं सही इस्तेमाल करके अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। आपने लंदन से पढ़ाई की है और लॉबी की है, तो इसमें आपको पढ़ाई में कैसे, आपके परिवार ने जैसे मुस्लिम समाज में पढ़ाई के लिए उत्साहित नहीं करते, फिर भी आप लंदन से पढ़ी हैं, तो आपके पिता का सहयोग रहा या आपकी माता जी का? जी, मेरे पिताजी, मैं बहुत छोटी थी जब उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्होंने भी आगे बढ़ाया, लेकिन ज़्यादा बड़ा योगदान इसमें मेरी माता जी का रहा है। उन्होंने जिस तरीके से हमारी परवरिश करी, उन्होंने हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दिया, बचपन से ही उन्होंने हमें पढ़ाई की ओर अग्रसर रखा और आगे भी बहुत प्रोत्साहन दिया। अब तक भी वो चाहती हैं कि मैं अपनी PhD, जो कि मेरा बहुत मन था करने का, कि मैं उसे पूरा करूँ। अब भी वो यही कहती हैं कि जब भी वक्त मिले तो अपना ये सपना भी पूरा करना।